अस्सलाम वालेकुम। मैं जमीना दे बारे च कुछ मालूमात देना चाहना। बंदे पुछदे ने भाई मोदिया की होंदा है, मसावी की होंदी है, लट्ठा की होंदा है, फील्ड बुक की है, खसरा नंबर की है, खेवट की है, जमाबंदी की होंदी है, फर्द की होंदा है, शामलाती रकबा की होंदा है। अच्छा, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ा पुछते हैं तो मैं कोई तरतीब नाल थोड़िया थोड़िया इन्हां दे बारे च दसना। पहला तो दसांगा कि मोदिया की होंदा है। मोदिया उस ग्रां नूं आखदे ने जिसका अपना रकबा होंदा, उसका एक अपना नक्शा होंदा, गौरमेंट ने बनाया, महकमा माल ने, महकमा माल यही होंदा जिसके कोल पटवारी ते तहसीलदार गिरदावर ते ये सारे जिहड़ा अमला होंदा, ये जमीना का हिसाब रखने वाला ये महकमा माल होंदा। इस दे विच उस मोदिया का एक नक्शा बनिया होंदा जिसनूं आखदे ने मसावी, जिस तहत मसावी जी है उस दे नाल होंदा भाई जितनिया जमीना होंदिया ना उन्हां सारिया का नक्शा बनाया होंदा ने। तो वो नक्शा इस मसावी की एक नकल जी है वह पटवारी को होंदी है जिसन वादे लट्ठा, तो वो लट्ठा जड़ा वह पटवारी को होंदा है। तो मसावी जी है उसनों एक किताबी शक्ल दिती जाती है क्योंकि वैसे तो नक्शा बनया होंदा उन्हों मसावी आखते हैं, एक किताबी शक्ल च होंदी उन्हों बनाया जाता है। उदे विच नक्शा तो नहीं होंदा लेकिन उदे विच हर जमीन का जड़ा ना वो जिक्र होंदा कि लंबाई इसकी कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी एवरेज की है, इसका रकबा कितना है, वो सारा कुछ जड़ा इसका रकबा कढ़ना किसने, बाद जड़ियाँ तिरछियां जमीना होंदियां उन्हां दा रकबा किस तरह कढ़ना है, ये सारिया चीज़ा जड़ियाँ ने ये फील्ड बुक च होंदियां ने। जिस वक्त कोई बंदा मसावी की नकल लैन जांदा है, अगर तुसीं अदालत जांदे हो तो अदालत जड़ी है ना उत्थें तुहानूं आखदे ने भाई अपना सबूत लियावो कि तुहाडी जमीन किहड़ी है। तो वो जिस वक्त एक तो पटवारी को कागज़ लिया तो जेड़े मसावी की नकल लैके आते हैं पैमाइशा वास्ते, तो वो अगर किसी जगह पर पैमाइश ना पढ़ी जाए तो फिर वो उपर उसका क्रॉस मार्क है तो लिख देंगे ने कि ये फील्ड बुक चों देखी जाए। इस वास्ते वो फील्ड बुक, मसावी और लट्ठा ये तीन चीज़ा जड़िया ने इन्हों विचों असी जमीन दियाँ पैमाइशा तकने कि इन्हों की लंबाई की है, चौड़ाई की है, तो रकबा के है। अगर फिर इस तो बाद आ जाता भाई खसरा नंबर की होंदा है। खसरा नंबर हर जमीन जड़ी है उदा एक सीरियल नंबर होंदा है। इस दे विच उस दे चौवां साइडा की लंबाई लिखी होंदी है और दरम्यान च उस दे सुरख स्याही दे नाल लिखा जाता है खसरा नंबर, बाकी उदिया साइडा का जड़ा वह काली स्याही दे नाल उदिया पैमाइशा लिखिया होंदिया। तो जिस वक्त कोई बंदा अपनी जमीन का पता करना चाहे कि यह जमीन जड़ी है, अच्छा इस दे नाल मैं पहला एक भी दसा कि बंदे खेवट का लफज बहुत सुनते होंगे ने, एक खेवट के चीज़ है। जिस वक्त एक बंदा बहुत सारिया जमीना का मालिक होंगे ना खसरिया नंबर का, तो उसनू तलाश करने वास्ते वो उन्हां सारे का एक ग्रुप बना छोड़ते हैं जिहड़ी कि मुख्तलिफ जगह पर उसकी जमीन होंदी है। मसलन एक बंदा उसदे पूरे मोदिया विच पंजी जमीना ने, वो पंजी जमीना का इको नंबर ला के ना उन्हूं आखसन खेवट नंबर, वो ग्रुप नंबर उसना बना छोड़ते हैं। ये असल जिहड़ी चीज़ होंदी है देखने वाली वो ये होंदी है भाई क्या वो बंदा जिहड़ा है ओ जिस खसरे च मालिक है या जिस चों वेच रहा है या खरीद रहा है या फर्द लै रहा है, क्या उदे विचों उसनों फर्द दिता जा रहा है। फर्द जिहड़ा होंदा ना ये मलकीयत दा सबूत होंदा है बंदा मालिक कितना की है और किहड़े नंबर च है। ओ जिस जगह दा सौदा करदा है उस जगह दा उहनूं फर्द मिलना चाहिए, लेकिन इत्थे जिहड़ा है ये खेवट विचों फर्द दे के ते ओ लोकां नूं मसाइल च उलझा छोड़ देन। अगे मैं कुछ थोड़ा जा इस दी वजाहत मजीद करांगा कि जमाबंदी की होंदी है। जमाबंदी वो किताब है जिस दे उपर ये लिखे आंदा है कि रजिस्टर अकदारान जमीन,
कि इहदे विच जिहड़े उस पूरे मौदिया दे विच बंदे जमीना दे मालिक हुंदे ना उन्हां दा सारा जिक्र हुंदा है। अगे खसरा नंबर लिखे आंदा है, खसरे नंबर दा रकबा लिखे आंदा है, उस दे विच अगे जमाबंदी विच उह सारे मालिक जितने उस च हुंदे ना उन्हां सारयां दे नां लिखे हुंदे ने, ते अगे उन्हां दा रकबा लिखे आंदा है कि इस दे पंज मरले ने, इहदे अठ ने, इहदे पंद्रह ने, जितने जितने मरले हुंदे ने उह सारा उस दे विच जिहड़ा ना ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ। ਅਤੇ ਫਰਦ ਜਿਸਲੇ ਲੈਣ ਜਾਓ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ 'ਚ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਦ ਲੱਭਦਾ।